Hello everyone, welcome to Tech Aruhes and let's start with our daily tech news. तो पहली खबर की बात करते हैं और पहली खबर आपको बता देता हूँ कि Lenovo का Y K5 जो वो फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गया है और इसकी प्राइस जो रखी है वो है 7,000 रुपए यानी कि 7,000 रुपीज। इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको मिलेगा 5 इंच का HD डिस्प्ले, 1.2 GHz का ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 415 का प्रोसेसर होगा, 2GB रैम होगी, 13 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा होगा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा, 16GB इनबिल्ट स्टोरेज होगी और इसके अंदर आप फर्दर माइक्रो SD कार्ड लगा के एक्सपांड कर सकते हैं। बैटरी जो होगी वो 2750mAh की बैटरी होगी यानी 2750mAh की बैटरी होगी और प्राइसिंग जिसे आपको बताया मैंने जो है वो 7,000 रुपीज। Lenovo Vibe K5 जो है Lenovo Vibe K5 का लाइटर वर्जन है और फाइनली इंडिया के अंदर इन्होंने लॉन्च किया है। प्राइसिंग जो है वो अच्छी रखी है और ये जो है वो आज दोपहर के 2 बजे से जो रजिस्ट्रेशन इसका ओपन होगा फ्लैश सेल के जरिए आपको मिलेगा और June 22 को जो है वो आप जो है उसको खरीद सकते हैं। अब देखते हैं कि ये कितना फोन चलता है। मैं इसका और 3 फोन के साथ में कंपैरिजन बना हुआ संडे के दिन और आपको बता दूंगा कि 7,000 रुपीज के अंदर कौन से बेस्ट 3 फोन जो है आप जो है वो खरीद सकते हैं। तो डील की बात करते हैं और डील जो है वो आपको बता देता हूँ कि अगर आपको OnePlus 3 फोन जो है वो फ्री में जीतना है, जी हाँ, एक कॉन्टेस्ट चल रहा है Amazon के ऊपर, Amazon के ऐप के जरिए अगर आप जाएंगे वहां पे, आप जैसे ओपन करेंगे ऐप को तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे क्विज लिखा है OnePlus 3 Win और OnePlus 3 फोन। तो आप वहां पे जाएंगे 11 जून से 14 जून तक यानी कि कल इसका लास्ट डेट है। आप वहां पे जा रहे हैं, वो कुछ आप सवाल करेंगे, उस सवाल का जवाब देना है और अगर आप लकी होते हैं तो आपको जो है वो फोन ये मिल सकता है। यहाँ पे लिखा है 12 फोन्स टू बी वन, कोई 12 लकी विनर वो लोग सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लकी होंगे उन 12 लोगों में से तो आप शायद से OnePlus 3 फोन का जो फ्री में जीत सकते हैं। OnePlus 3 जैसे 15 जून को जो लॉन्च होने वाला है और इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर भी मुंबई में और 2 जगह पे लॉन्च होने वाला है तो इसके इवेंट में मैं शायद से मुंबई में जाऊंगा तो आपको वहां से इसका व्लॉग शायद से दूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है ये जीतने में फ्री में तो आप जो वो जाके जो ये ट्राई कर सकते हैं। तो मोटोरोला की तरफ से खबर आ रही है कि अभी जैसे कि मोटोरोला ने 2 लेटेस्ट फोन लॉन्च किया था, मोटो जेड और मोटो जेड फोर्स, तो ये भी बोला जा रहा है कि मोटो जेड प्ले जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है और लीक होके आया है, थोड़ी इसकी स्पेसिफिकेशंस भी लीक हुई है और साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि मोटो जेड प्ले जो वो भी जो वो मॉड्यूलर फोन होगा यानी कि मॉड्स के साथ आएगा, उसके अंदर बोला जा रहा है कि प्रो कैमरा मॉड और प्रो एडवेंचर मॉड करके जो ये आने वाला है उसके साथ में। इसके अंदर मतलब यानी कि आप जो वो डिफरेंट दूसरे कैमरा लगा सकते हैं, हाई कैमरा होगा, उसके अंदर लिखा 10x ऑप्टिकल जूम होगा, F3.4 5.6 एपर्चर होगा और जेनन फ्लैश करके उसके अंदर जो भी फंक्शंस होंगे। तो इसके अंदर ये भी बोला जा रहा है मोटो जेड प्ले की जो स्पेसिफिकेशंस बताया जा रही है कि 5.5 इंच की फुल HD आपको डिस्प्ले मिलेगी, स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर है, 2GB की रैम है, 13 MP रियर फेसिंग कैमरा होगा, 16GB इनबिल्ट स्टोरेज है और 30GB स्टोरेज का भी वेरियंट आपको मिलेगा, 3500mAh की इसके अंदर बैटरी आपको मिलेगी और 7mm थिकनेस ये फोन होगा। अब ये फोन जो है वो बोला जा रहा है कि बहुत जल्दी ही आने वाला है, मोटो हेलो किट के ये जो उनका जो लीक होता है वहां से ये पता चला है। तो रिलायंस ने अपने जो है वो 2 नए फोन जो है वो लॉन्च किया है, एक जो है वो बजट बोल रहा है और दूसरा जो है वो थोड़ा हाई एंड है। तो दोनों की प्राइस आपको बता देता हूँ, उससे पहले कि आपको उस मॉडल नंबर और स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। Reliance Wind 1 यानी कि Reliance Life Wind 1 की स्पेसिफिकेशन आपको यू मिलेगी, डुअल सिम का फोन है, 5 इंच की HD डिस्प्ले मिलेगी आपको इसके अंदर और ड्रैगन टेल गोरिल्ला ग्लास के ऊपर जो वो प्रोटेक्शन होगा, Android 5.1 लॉलीपॉप आपको मिलेगा, 4G फोन होगा, 1.2 GHz का ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 410 का प्रोसेसर होगा, 1GB रैम होगी, 8 MP का रियर फेसिंग कैमरा होगा, 5 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा और इसके अंदर आप जो वो 16GB इंटरनल स्टोरेज की फर्दर आप जो माइक्रो SD कार्ड लगा के एक्सपांड कर सकते हैं। इसकी प्राइस जो है वो 6,900 रुपीज रखी है। दूसरा जो फोन है Reliance Life Water 7, इसकी प्राइस जो उन्होंने रखी है वो 13,000 रुपीज है और स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ। 5.5 इंच का फुल HD का डिस्प्ले मिलेगा आपको इसके अंदर, IPS LCD डिस्प्ले होगा और Android 5.1 लॉलीपॉप पे चलने वाला है। इसके अंदर आपको मिलेगा 4G, 1.5 GHz का ऑक्टाकोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 615 का प्रोसेसर होगा, 2GB रैम होगी और 16GB इनबिल्ट स्टोरेज होगी और इसके अंदर आपको मिलेगी बैटरी जो होगी वो 3000mAh की बैटरी होगी। कैमरा जो होगा वो 13 MP रियर फेसिंग कैमरा होगा और 5 MP फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा। तो रिलायंस ने 2 फोन लॉन्च किए हैं और अभी एक जो बोल रहे हैं बजट है, दूसरा जो बोल रहे हैं थोड़ा हाई एंड है। अब पता नहीं कि दूसरे फोन के कंपेयर में ये फोन शायद से चलेगे या फिर जो वो नहीं चले। तो Huawei Honor ने फाइनली अपना जो 5F फोन है वो लॉन्च कर दिया है चाइना के अंदर और इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको मिलता है 5.5 इंच का HD डिस्प्ले, 1.2 GHz का ऑक्टाकोर का किरिन 620 का प्रोसेसर, ये जो इनका प्रोसेसर होता है, माली 450 GPU इसमें चलेगा, 2GB रैम होगी, 16GB इंटरनल स्टोरेज होगी, माइक्रो SD कार्ड लगा के आप एक्सपांड कर सकते हैं।
इसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा। एंड्रॉइड 6 मार्च में लोगों पर चलेगा और बैटरी जो होगी वो 3100 एमएच की बैटरी होगी। प्राइसिंग बोला जा रहा है इसके अंदर हो सकता है 7000 रुपीस इंडियन रुपीस में आपको मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 7000 रुपीस की रेंज के अंदर ही सबसे बेस्ट फोन होगा, वो इसलिए क्योंकि 5.5 इंच की आपको डिस्प्ले मिल रही है, किरिन का प्रोसेसर होता है वो बहुत अच्छा होता है, 3100 एमएच की इसके अंदर बैटरी आ रही है, कैमरा भी 8/13 और 8 है, तो काफी अच्छा फोन अगर ये बोला जाएगा कि इंडिया में इसी प्राइस रेंज के अंदर अगर जो वो लॉन्च करते हैं। तो सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सैमसंग गैलेक्सी A9 प्रो इंडिया में बहुत जल्दी शायद से लॉन्च हो सकता है, तो ये देखा जा रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है कि सैमसंग का गैलेक्सी A9 प्रो जो है वो सर्टिफिकेशन क्लियर किया है फाइनली ग्लोबली लॉन्च होने के लिए और लीक होके आ गया है, यानी कि अब जो वो लोग जो वो जल्दी इंडिया के अंदर या कहीं पे भी वर्ल्ड में लॉन्च करने वाले हैं। और इसकी स्पेसिफिकेशन आपको फिर से बता देता हूँ, इसके अंदर आपको मिलता है 6 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 652 का प्रोसेसर होगा, 4GB की रैम होगी, 32GB इनबिल्ट स्टोरेज होगी और 5000 mAh की इसके अंदर बैटरी होगी। प्राइसिंग की बात हो रही है कि बोला जा रहा है 3499 युआन चाइनीज करेंसी में मिलेगा और इंडियन में कन्वर्ट हो रहा है तो ये 35800 रुपीस। जी हाँ, अब इतना हाई स्पेक्स है और सैमसंग का फोन है तो प्राइस तो जो वो 35000 के ऊपर ही जो वो जाने वाली। व्हाट्सएप की तरफ से आपको एक खबर आ रही, बता देता हूँ कि व्हाट्सएप का नया अपडेट आया है। बोला जा रहा है व्हाट्सएप मैसेजेस कोड्स एंड रिप्लाई का अपडेट है, बहुत से लोगों को पता होगा बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, इसमें क्या अपडेट है कि अगर कोई भी टेक्स्ट आपको करता है, बहुत सारे टेक्स्ट आपको एक साथ आ जाते हैं और आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट का रिप्लाई करना रहता है, तो आपको पता नहीं कि हम जो वो टेक्स्ट करके जवाब देते हैं तो कोई टेक्स्ट हमसे मिस हो जाता है। इसमें क्या होगा कि आप वो टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं सामने वाले का, और वहां पे आपको जैसे कॉपी करेंगे तो आपको रिप्लाई कोड ऊपर की तरफ देगा, वहां पे आप टिक करेंगे तो आप उसी मैसेज को वहां पे ओपन हो जाएगा विंडो, यहाँ पे आप देख सकते हैं और नीचे आप रिप्लाई कर सकते हैं और जो इसको भेज सकते हैं, तो सामने वालों को पता चल जाएगा चाहे वो ग्रुप में हो या नॉर्मल में हो कि ये जो मैसेज है मुझे इस टेक्स्ट का जो है ये रिप्लाई मुझे मिला है। तो जी हाँ, तो ये सिंपल है और बहुत अच्छा है कि इन्होंने इस तरीके का नया अपडेट लाया है, तो ताकि जो कंफ्यूजन होती है हम जब चैट करते हैं जो वो कम हो जाएगी। तो फाइनल टेक न्यूज ले लेते हैं, और फाइनल टेक न्यूज भी आ रही है फिर से सैमसंग की तरफ से, और ये लीक होकर आया है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 आने वाला है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नोट 6 को शायद से वो लोग स्किप करेंगे, और सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 जो आएगा वो एच डिस्प्ले में आएगा, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge आता है। एच के अंदर यहाँ पे लिखा है, आप जैसे टीजर यहाँ पे देख सकते हैं, पिक्चर आया लीक होके, तो जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि एच के अंदर आप जो वो नोट लिख सकते हैं कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी ही सैमसंग का गैलेक्सी नोट 7 एच हमें शायद से देखने को मिल सकता है। सितंबर में बोला जा रहा है कि फोन जो है वो वर्ल्ड जो ग्लोबली में जो शायद से लॉन्च हो सकता है। तो फाइनली हम आते हैं हमारे कंक्लूजन की तरफ, और आज की टेक न्यूज जो यहीं पे खत्म होती है, और अगर आपको मेरी टेक न्यूज पसंद आती है तो जरूर से इसे लाइक करिएगा, एज ऑलवेज कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको ऐसी डेली में अपडेट करता रहूंगा। दूसरी 2-3 बात बता रहे तो रिव्यू की अपडेट की बात बता रहता हूँ कि मुझे जो है वो कूलपैड नोट 3 प्लस जो आ रहा है कल तक शायद मुझे मिल जाएगा रिव्यू के लिए, तो अगर आपका बजट 9000 रुपए के अंदर है तो आपको अगर रिव्यू देखना है तो मैं कूलपैड नोट 3 प्लस का एक अच्छा रिव्यू बना दूंगा और आपको कंफ्यूजन जो रहेगा उसमें दूर हो जाएगा, अगर आपको खरीदना तो आप जो वो खरीद सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि ज़िब्रोनिक्स का जैसे कि ज़ूक के प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर्स और ईयरफोन्स वगैरह होते हैं, तो ज़िब्रोनिक्स की तरफ से मुझे एक रिव्यू यूनिट आ रहा है, ब्लूटूथ स्पीकर आ रहा है, काफी अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर है वो, उसकी काफी सारे अच्छे फीचर है, तो उसका फीचर आप थोड़ा वेट करिएगा, स्टे ट्यून रहेगा, मैं आपको बता दूंगा उसका एक अच्छा सा रिव्यू आपको दे दूंगा, बजट है और आप जो है उसका रिव्यू देख लेंगे उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो 2 रिव्यू भी आने वाले आपको इस चैनल पे मिलेंगे, थोड़ा पेंडिंग है, आपको मैं दे दूंगा, अभी शुरुआत हुई है। और ली की तरफ से बात हुई तो ली को ईमेल दिया, ली ने ईमेल का रिप्लाई भी कर दिया है और बोला है कि हम इस पे बात करेंगे कि आपको रिव्यू यूनिट देना है कि नहीं देना है। जी हाँ, तो अच्छी बात है कि मुझे थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होने की उम्मीद हो रही है कि मुझे यहाँ पे जो रिव्यू यूनिट शायद से मिल सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइल।